मोहम्मदाबाद विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी को अपने जिले के डीएम व एसपी का नाम नहीं पता है। मोहम्मदाबाद गोहना शहर महिला इंटर कॉलेज बरामदपुर में पूनम सरोज संस्कृत प्रवक्ता के पद पर तैनात हैं। वे वर्तमान मोहम्मदाबाद गोहना विधानसभा की भाजपा से प्रत्याशी भी हैं। ताज्जुब की बात यह है कि इन्हें जिले के कप्तान एवं डीएम और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल का नाम तक नहीं पता है। वहीं प्रदेश की महिला राज्यपाल को वो पुरुष जैसे शब्दों से संबोधित कर रही थी। अब ऐसे में ये समझ पाना मुश्किल है कि ये विद्यार्थियों को क्या शिक्षा देती होंगी और अब प्रत्याशी होने के नाते वो किस आधार पर जनता से वोट की अपेक्षा रखेंगी। कहाँ से नामांकन क्या है, क्या आपका परिचय? मोहम्मदाबाद गोहना 355 विधानसभा मोहम्मदाबाद गोहना मऊ। क्या समस्या है आपके क्षेत्र में? मेरे क्षेत्र में जैसे मेरे क्षेत्र की जो सड़कें हैं, जैसे जो मेन है वो तो सही है, लेकिन जो ग्रामीण इलाकों में जाती है वो बहुत खराब है। तो क्या लगता है कि जो बीजेपी के पहले विधायक थे उन्होंने काम नहीं किया? अब मैंने जो देखा मैं वो बता रही हूँ, उन्होंने काम किया कि नहीं किया। इससे तो ये लग रहा है ना कि उन्होंने काम नहीं किया। मैडम, आप एमएलए का चुनाव लड़ने जा रही है, एमएलए का फुल फॉर्म बता सकती हैं? क्या एमएलए का फुल फॉर्म? मैम, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल असेंबली। ठीक है मैम, यूपी के राज्यपाल का नाम बता दीजिए। यूपी के राज्यपाल जी आनंद, हाँ आनंद जी भाई पटेल। मैम जिला, मैम जिला अधिकारी और जिले के एसपी का नाम बता दीजिए। हाँ अरविंद कुमार, अरुण कुमार, सुशील गुले, गुले। मैम जिला अधिकारियों का पॉलिटिकल क्वेश्चन? मैम जिला अधिकारी और जिले के एसपी का नाम आपको नहीं पता है अपने क्षेत्र में? एक मिनट, ये क्या सवाल हो गया? अभी तो सारे लोग चेंज हुए हैं, ये तो अभी तो चुनाव से पहले से ये लोग हैं, अभी ये लोग जल्दी ही आए हैं, आप ये कैसे कह रहे हैं? मैम राज्यपाल का नाम तो नहीं पता आपको? कहाँ नहीं पता, बताया आपने? आनंदी भाई पटेल बताया है। हाँ भाई, आप लोग जीके पूछने आए मुझसे? मैडम, मैडम अपने अपने क्षेत्र की आप स्थानीय समस्या कुछ बता दीजिए। स्थानीय समस्या हमारे यहाँ सड़कें खराब हैं, जो लोकल सड़कें हैं जो गांव में जाती हैं वो। मैडम सड़कें कहाँ खराब? मेन जैसे जो कुल मिला के पहले जो विधायक तो उन्होंने कोई काम नहीं किया, अब आप जीत के काम करेंगी? जीत के जो हमारे यहाँ दिक्कतें हैं हम उसकी पूरी, उन्होंने काम किया है, ऐसा नहीं कि उन्होंने बिल्कुल भी काम नहीं किया। काम किया है कुछ जगहों पे, हो सकता है वो नहीं पहुंचे हो तो वहाँ की टूटी हो या फिर बारिश में टूट जाती हैं, दोबारा टूट गई उन्होंने बनवाया होगा, ये सारी बात। आपके टिकट मिलने से और लोग भी काफी नाराज हैं, तो इस नाराजगी को? कोई भी नाराज नहीं है, कोई भी नहीं नाराज है। क्या लगता है कि आपको श्रीराम सोनकर जी का टिकट क्यों काट दिया गया? ये तो शीर्ष नेतृत्व का जो है फैसला है।